रास्ते से ऊपर आया इस रास्ते से और मैं पहुंच चुका हूं लोअर बाजार। ये रास्ता आपका आता है ओल्ड बस स्टैंड से। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज का स्पेशल व्लॉग होने वाला है। आज मैं आपको विजिट कराने वाला हूँ लोअर बाजार। तो अभी हूँ मैं ओल्ड बस स्टैंड शिमला। तो अगर आप शिमला आते हो तो सबसे पहले आप आओगे ISBT टूटी कंडी और वहाँ से आप टैक्सी या बसेज में आ सकते हो और उसके बाद पहुँचोगे आप यहाँ ओल्ड बस स्टैंड। तो यहाँ से आगे होती है रिज की यात्रा और लोअर बाज़ार की यात्रा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये है हमारा यहाँ पे ओल्ड बस स्टैंड जो आप मेरी बैक साइड में देख रहे हो। अभी मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ और यहाँ से आगे का व्यू दिखाता हूँ, तो उसके बाद चलेंगे हम लोअर बाज़ार की तरफ और आगे का व्यू मैं कवर करूँगा। और वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आई होप आप वीडियो के साथ आज इन्जॉय करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो आप ये व्यू देख रहे हैं, ये है ओल्ड बस स्टैंड का व्यू। और ये यहाँ से आपको दिखता है साइड व्यू। जब आप ओल्ड बस स्टैंड आएंगे तो आपको यहाँ से चारों तरफ का व्यू दिखाई देगा। दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और चलेंगे लोअर बाज़ार की तरफ। तो ये सारा ओल्ड बस स्टैंड का व्यू है। यहाँ पे सारी बसेज लगती है, लोकल बसेज। अगर आप यहाँ से यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, यूनिवर्सिटी समर हिल और टूठू, कोई भी यहाँ की जो लोकल जगह है वहाँ विज़िट करना चाहते हो तो आपको यहाँ से लोकल बसेज सारी मिल जाती है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ और लोअर बाज़ार की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे सारी लोकल बसेस लगी रहती है, आप कभी भी आ सकते हो और कभी भी यहाँ से जा सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो ये रास्ता है, यहाँ से हमारे को आगे जाना है और जो वो ऊपर आपको एक छोटा सा वो दिख रहा है पुल, वहाँ से हमें आगे। इसीलिए यहाँ पे शॉप्स बहुत ही कम खुलेगी संडे पे। अगर आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप संडे को यहाँ पे अगर आप कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हो तो संडे को आप यहाँ शॉपिंग नहीं कर सकते।
सो साथ में यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर माता का। सो सबसे पहले आज है दूसरा नवरात्रा, तो सबसे पहले हम ब्लेसिंग ले लेते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जब आप नीचे से ऊपर की ओर आएंगे तो आपको ये रास्ते में छोटा सा मंदिर मिल जाएगा। सो अब हम पहुंचने वाले हैं लोअर बाज़ार, तो साथ में यहाँ पे छोटा निशान पे राधा कृष्ण मंदिर के लिए रास्ता जाता है। तो फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं लोअर बाज़ार। तो आज मैं आपको ये रास्ता आपका आता है ओल्ड बस स्टैंड से, और जो ये वाला आपका रास्ता जा रहा है ये जा रहा है आपका डीसी ऑफिस, यहाँ से जो आप ब्रिज के ऊपर जा सकते हैं। सो अब मैं आगे की ओर बढ़ूँगा और जाऊँगा लोअर बाज़ार होते हुए ब्रिज के ऊपर। सो सामने वाली जो टनल दिखाई दे रही है ये आपकी लक्कड़ बाज़ार वाली टनल, ये आपको डायरेक्ट पहुँचाएगी लक्कड़ बाज़ार पर। सो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो शॉप सब खुल रही है, सुबह के 11-12 बजे तक पूरी शॉप से खुली जाती है, बट आज संडे है, आज का कोई अनुमान नहीं है कि आज पूरी शॉप्स खुलेगी कि नहीं। सो इसीलिए आज यहाँ पे रश नहीं होगा, यहाँ पे आज संडे को लोकल मार्केट लगती है, तो हो सकता है आज वो मार्केट लगे या ना लगे, बट मेरे अनुमान से वो मार्केट लग सकती है। शॉपिंग के लिए लोअर बाज़ार में आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएगी और आपको अच्छे रेट के साथ यहाँ पे अगर आप कुछ भी चीज़ें खरीदना चाहते तो मिल जाएगी। सो यहाँ पे संडे मार्केट लगना शुरू हो चुका है, सो यहाँ पे जो लोकल शॉप्स है वो लगना शुरू हो चुका है। सुंदर पंसारी जो एक फेमस शॉप है लोअर बाज़ार की, यहाँ पे अगर आप कुछ भी पूजा सामग्री का सामान लेना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा। सो देख सकते हैं, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप मॉल पे शॉपिंग नहीं करना चाहते हो तो लोअर बाज़ार में कर सकते हो, आपको यहाँ अच्छे रेट्स में हर एक चीज़ें मिल जाएगी। तो इसलिए मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ, तो अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो या लोअर बाज़ार में शॉपिंग करें या फिर हमारी शिमला की जो एक ट्रेंडिंग मार्केट है फिफ्टी मार्केट, वहाँ कर सकते हैं। सो शिमला तो पूरी तरह से खुल ही चुका है, अगर आपका प्लान है शिमला आने का तो आप आ सकते हो, बट मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मास्क ज़रूर लगाना क्योंकि यहाँ पे मास्क का 1000 फाइन कर दिया गया है। अगर आप हाफ भी मास्क अपने फेस पे रखते हो तब भी आपको 1000 देना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको मास्क पूरा लगाना पड़ेगा। सो फाइनली अब लोअर बाज़ार ख़त्म होने वाला है, वो यहाँ से हल्की सी क्लाइम चढ़ना शुरू हो चुका हूँ, तो इसी क्लाइम जब ये ख़त्म होगी तो ये रास्ता मिलेगा आपका मॉल रोड वाले रास्ते को, तो मॉल रोड भी घुमाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको यह वीडियो भी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें शिमला के अपडेट के लिए। सो सामने एक ठाकुर बराता शॉप, यहाँ पे आपको अच्छे रेट्स में अगर आप अचार मुरब्बा कुछ भी आयुर्वेदिक चीज़ें लेना चाहते हो तो आपको मिल जाएगी। सो आज संडे मार्केट की सारी ही दुकानें खुल चुकी है। सो फाइनली मैं पहुंचने वाला हूं मॉल वाले रास्ते, तो व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका होगा, सो इसी व्लॉग को मैं यही एंड करता हूं।
तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको घुमाऊंगा पूरा हॉल रोड। सो अगर आपने वीडियो को इंजॉय किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जिसकी प्लानिंग है शिमला आने की तो मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी, क्या क्या करना है, मास्क ज़रूर पहनें, ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम नेक्स्ट व्लॉग के साथ जल्दी मिलेंगे।